gynecologist and obstetrician and director of Singh Life Care Hospital Ghazipur. आज हम सब लोग एक PCOD समस्या के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ बैठे हैं. PCOD क्या है? PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये किन कारणों से होता है और किन लोगों के बीच में ये ज्यादा फैलता है? आजकल सिडेंटरी लाइफस्टाइल और गलत डाइटरी हैबिट की वजह से टीनेजर्स, किशोरियों को ये समस्या ज्यादा देखने को आ रही है. समाज में लगभग 30% केसेस PCOD के OPD में आजकल निकल रहे हैं. अक्सर पेरेंट्स अपने किशोरियों को, बच्चों को लेके आते हैं और वो ये बताते हैं कि शुरुआत मेंसेस में जब शुरू हो रहा था तब तो ठीक था, लेकिन समय के साथ साथ इनका मेंसेस, हमारी लड़कियों का, बच्चों का मेंसेस डिले होता गया. 1 महीना 2 महीना 3 महीना डिले करके आ रहा था और शरीर में ओबेसिटी डेवलप होनी शुरू हुई, फेशियल हेयर ग्रोथ हुआ और साथ में गले में जैसे कालापन आना या हेयर लॉस का होना, इन सब समस्याओं को लेकर के जब पेरेंट्स लेके आते तो उनको लगता है कि जिज्ञासा होता है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही. लड़कियां भी बड़ा एम्बैरेसमेंट फील करती हैं हेयर लॉस होने की वजह से, या बहुत ज़्यादा एक्ने फेस पे आ जाता है उसकी वजह से भी उनको बड़ा इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स फील करती हैं. तो जब अल्ट्रासाउंड या बाकी हॉर्मोनल टेस्ट कराया जाता है, अगर तो PCOD अगर दिखता है ओवरी में कि ओवरी में स्वेलिंग आ रही है, एनलार्ज ओवरीज हैं, थिक वॉल्ड हैं, मल्टीपल स्मॉल ऑर्गिकल्स ओवरीज के जो सिस्ट के फॉर्म में लगे रहते हैं मतलब अलोंग टू वॉल, पर्ल ऑफ नेकलेस की तरह सजे रहते हैं, साथ में कुछ हॉर्मोनल टेस्ट कराया जाता है जैसे DHEAS कराया जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, LH-FSH रेशियो ये इंक्रीज कर जाता है, इन सब क्राइटेरिया से हम PCOD डायग्नोज करते हैं. इसमें होता क्या है कि जनरली नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब जिसमें कि एक ओवरी में 7 से 8 ओवा या फॉलिकल्स होते हैं उसमें एक फॉलिकल डोमिनेट करता है और वो 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है. जब 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है तो मेंसेस अपने टाइम यानी कि 28 डेज की साइकिल को मेंटेन करता है. PCOD में क्या होता है कि मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स बनते हैं जो इमैच्योर होते हैं, उसमें से कोई भी फॉलिकल मैच्योरिटी की तरफ नहीं जाता, जो जनरली 14th डे पर मैच्योरेशन होता है वो नहीं जा पाता, और वो आने वाले 2 या 3 महीने में कभी ओव्यूलेशन हुआ तो उसके बाद फिर मेंसेस स्टार्ट होते हैं. इस वजह से मेंसेस डिले हो जाता है. ये वजह क्या होती है? बेसिकली हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से एंड्रोजेंस ज़्यादा बनने लगते हैं बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनने लगते हैं बॉडी में, वो होने उसकी वजह से एक LH-FSH का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है जिससे ओव्यूलेशन नहीं हो पाता. ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी डेवलप करता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से ये पूरा वीसियस साइकिल तैयार हो जाती है, एंड्रोजेंस का ज़्यादा होना और इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप होना, ये पूरी वीसियस साइकिल की वजह से सारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है. आगे क्या क्या डिस्टर्बेंसेज होते हैं? ये समस्याएं तो आती ही हैं. इसमें हम लोग बच्चों को इंश्योर करते हैं, उनको एक्सरसाइज यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज को इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसमें. 60-70% रोल इसमें एक्सरसाइज का है, योगा का है, आउटिंग मतलब वर्कआउट करने का है, चाहे आप डांस करिए, चाहे आप कार्डियो करिए, चाहे कुछ ऐसा जिसमें कि फिजिकल एनर्जी लॉस करिए. इसको वेट कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइटरी हैबिट सुधारना भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें, वाटर इंटेक बढ़ा दें, सैलड्स बढ़ा दें, मिनरल्स बढ़ा दें, जिसमें फ्रूट्स बढ़ा दें, ये सब चीज़ें ज़्यादा लें बजाय जंक फूड के या तला भुना खाने के, उस सबको एकदम अवॉइड करें, कट ऑफ करें. तो बहुत सारी समस्या अगर छोटी मोटी डेवलप हो रहे होते हैं तो ये चीज़ अपने आप कंट्रोल हो जाती है. बाकी मैं ये कहूँगी कि 60% कंट्रोल हो जाती है, बाकी 40% ट्रीटमेंट के थ्रू कंट्रोल होता है. ये सब आगे इनफर्टिलिटी को भी कॉज करता है. टीनेजर्स की समस्या है, 15 से लेकर के 45 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप की समस्या है, टीनेजर से शुरू होती है, हो सकता है कि आगे इनफर्टिलिटी कॉज करे. इनफर्टिलिटी क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो इनफर्टिलिटी की तरफ पेशेंट एंड अप कर जाती है.
कई बार ऐसे केसेस जिसमें कि कंट्रोल्ड नहीं है पीसीओडी, उनको बाद में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है, ये सब कॉम्प्लिकेशंस भी आने लगते हैं। इसलिए इसको करने के लिए, इसको सुधारने के लिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं, दूसरा अपनी डाइटरी हैबिट्स को ठीक करें, और तीसरा अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट ज़रूर लें। कुछ ट्रीटमेंट जैसे मैनस्टॉल वगैरह है, मैनस्टॉल है, मेटफॉर्मिन है, और जिसको बुजुर्ग बच्चों के चेहरे पे एक्नेस वगैरह ज़्यादा होते हैं उसमें स्पेशल प्रोजेस्टेरोन जैसे कि सिप्रोटेरोन एसीटेट वगैरह दिया जाता है जो कि एंड्रोजेंस लेवल को कम करता है, जैसे एक्नेस वगैरह भी जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो ट्रीटमेंट भी लेना इम्पॉर्टेंट होता है। तो फाइनली इसका इलाज आपके अपने हाथ में है, आप वर्कआउट करिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दें, एक्सरसाइज करें, एरोबिक्स करें, और डाइटरी हैबिट्स को ठीक करें, ये अपने आप मेंटेन हो जाएगा। थैंक यू।